नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दुपहन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जूनियर टीचर भर्ती को लेकर के अच्छी खबर आ गई है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 8 की जो वैकेंसी होती है उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आ गया है। बीएड बीटीसी करने वाले जो भाई बहन जूनियर टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। लगभग 41,000 पदों पर वैकेंसी है। जूनियर टीचर के 41,000 पद रिक्त हैं और इनको भरने का निर्देश यहाँ पर दे दिया गया है। जल्द से जल्द इसको भरने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, और इसके बाद दोस्तों चयन प्रक्रिया देखेंगे किस प्रकार से इसमें चयन किया जाता है। आयु सीमा भी देखेंगे, न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वेतन इसमें कितना दिया जाता है, और साथ में एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, यूपी में जूनियर टीचर की जो भर्ती होती है इसमें 50% पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है और 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। जो पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता था इस पर रोक लगा दी है। अब दोस्तों सभी पदों पर सीधी भर्ती होगी, सभी पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर योग्यता की बात करेंगे। यूपी जूनियर टीचर भर्ती के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबका यहाँ पर स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। स्नातक में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। इसके साथ में बीएड या डीएलएड, जिसे बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए और साथ में यूपी टेट पेपर सेकंड या सी टेट पेपर सेकंड पास होना अनिवार्य है। पेपर सेकंड का मतलब 6 से 8 का जो टेट होता है या 6 से 8 का जो सी टेट होता है, यह आपका क्लियर होना चाहिए। तो तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहले तो स्नातक आपका होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। दूसरे नंबर पर आपका बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों यूपी टेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए या सी टेट पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए। तीन चीज़ें क्लियर हैं तो आप यूपी जूनियर टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों योग्यता के बारे में आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, चयन इसमें किस प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, यूपी जूनियर सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है सबसे पहले इसको पास करना पड़ता है, मतलब जो वैकेंसी आती है जूनियर सुपर टेट की सबसे पहले उसको पास करना पड़ता है। उसको पास करने के बाद मेरिट बनती है, मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो इसमें आपका चयन हो जाता है। चयन प्रक्रिया इसमें दोस्तों बहुत ही आसान है, केवल एक एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है, उसके बाद मेरिट बन जाती है, मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका चयन इसमें हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है जूनियर सुपर टेट का, यह किस प्रकार से होता है, इसमें कितने विषय पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या देखेंगे। कुल इसमें 150 प्रश्न पूछा जाता है, इसके लिए 2.5 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है। इसमें दोस्तों दो पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट वन में 50 प्रश्न होता है, सभी के लिए अनिवार्य होता है। इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों सामान्य ज्ञान से सामान्य विज्ञान में भी प्रश्न पूछा जाता है और करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग से भी प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर इसमें 50 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इतिहास भूगोल से भी प्रश्न पूछा जाता है, मतलब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कुल 50 प्रश्न पूछा जाता है और सभी के लिए ये अनिवार्य होता है। इसके बाद पार्ट टू जो होता है, इसमें 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है, आपका जो सब्जेक्ट है उससे 100 प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें तीन पार्ट होता है, क ख ग, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। पहले पार्ट में यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, यदि आप भाषा से संबंधित हैं तो भाषा का इसमें 100 प्रश्न आप हल करेंगे। यदि आपका विषय हिंदी है तो हिंदी का 100 प्रश्न हल करेंगे, अंग्रेजी संस्कृत को छोड़ देंगे, सामाजिक अध्ययन गणित विज्ञान को छोड़ देंगे,
और यदि आपका अंग्रेजी विषय है तो अंग्रेजी विषय से आप 100 प्रश्न हल करेंगे, यदि आपका संस्कृत है तो संस्कृत से 100 प्रश्न हल करेंगे, यदि आपका विषय सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन से 100 प्रश्न हल करेंगे, यदि आपका विषय गणित एवं विज्ञान है तो गणित एवं विज्ञान से 100 प्रश्न आप हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुल 150 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। 50 प्रश्न जो है ये सामान्य ज्ञान का होता है, सभी के लिए अनिवार्य होता है, और 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे 100 प्रश्न पूछा जाता है। सब्जेक्ट में आपका हिंदी भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, सामाजिक अध्ययन हो सकता है, या फिर गणित एवं विज्ञान हो सकता है। जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उससे 100 प्रश्न पूछा जाता है और उसी से केवल 100 प्रश्न हल करना होता है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 150 प्रश्नों को हल करना होता है। 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आयु सीमा की बात यहाँ पर कर लेते हैं। आयु सीमा इसमें कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम और अधिकतम। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। यूपी जूनियर टीचर भर्ती के लिए अधिकतम 40 वर्ष है उम्र सीमा और न्यूनतम 21 वर्ष है। ठीक है, जनरल की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो अधिकतम 40 वर्ष है जनरल के लिए है। ओबीसी की यहाँ पर अधिकतम उम्र 45 वर्ष है। एससी के लिए यहाँ पर 45 वर्ष है। एसटी के लिए भी यहाँ पर 45 वर्ष है। ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर 45 वर्ष है और जनरल के लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा है। ठीक है, इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक जो हैं इनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए अधिकतम 43 वर्ष उम्र सीमा है, और ओबीसी एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पर 48 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा, और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बताया गया है जनरल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पर 55 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा, और ओबीसी एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम 60 वर्ष है उम्र सीमा। तो यहाँ पर दोस्तों उम्र सीमा के बारे में भी आपको बता दिया गया है, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, ये जनरल के लिए है। ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है तो 45 वर्ष हो जाता है अधिकतम। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 43 वर्ष है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 48 वर्ष है, और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जनरल के जो अभ्यर्थी हैं 55 वर्ष अधिकतम है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 60 वर्ष अधिकतम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम सैलरी की बात करेंगे, जूनियर टीचर की जो सैलरी है ये कितनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, बेसिक पे जो होता है दोस्तों ये 44,900 रुपये होता है जूनियर टीचर की। बेसिक पे कितना होता है, 44,900 रुपये होता है। डीए 15,266 रुपये लगभग होता है। एचआरए जो होता है ये 1,840 रुपये होता है, और टोटल इसमें आपका 62,000 रुपये लगभग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 10% का एनपीएस कटता है। 10% एनपीएस का मतलब लगभग 6,000 रुपये इसमें कट जाता है। इन हैंड जो सैलरी है दोस्तों, इन हैंड जो सैलरी है इसमें 55,902 रुपये इसमें मिलती है, लगभग 55,000 रुपये इसमें सैलरी मिलती है जूनियर टीचर में। तो जूनियर टीचर की जो भर्ती है दोस्तों बहुत ही अच्छी भर्ती है, इसमें सैलरी बहुत ही अच्छा दिया जाता है। तो आप लोग तैयारी इसकी शुरू कर दीजिए, जूनियर टीचर की भर्ती आने वाली है, अच्छे से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। प्राथमिक की भी वैकेंसी आएगी, साथ में जूनियर टीचर की भी वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जूनियर टीचर के लिए संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, एक एक करके सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। योग्यता के बारे में बताया गया, चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, वेतन के बारे में यहाँ पर बताया गया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया, आयु सीमा के बारे में बताया गया, एक एक करके सभी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इस भर्ती से संबंधित कोई नया अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द सूचित किया जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।